So earlier we have discussed about the numericals related to ray optics. So 9.21, it's a very interesting one, though we have done a part of it in 9.10. 9.10 वाला क्वेश्चन याद है ना आपको? 9.10 में ये कह रहा था, what is the focal length of a convex lens? A focal length 30 centimeter and a concave lens. मतलब ये मामला था आपका कि एक कन्वेक्स लेंस था और इसके कांटेक्ट में एक कंकेव लेंस भी आपने लगा रखा था, है ना? इसका फोकल लेंथ वहां पे ये 9.10 का रेफरेंस ये दे रहा है, है ना? उस समय क्या था कि ये दोनों एकदम कांटेक्ट में थे, बिल्कुल एकदम सटे हुए थे, तब ये कह रहा था कि ये फोकल लेंथ जो कन्वेक्स का है वो 30 सेंटीमीटर है और इसका ठीक है। अब कह रहा है 9.21 में कि डिटरमिन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेस इन एक्सरसाइज 9.10। एक्सरसाइज 9.10 ये है, लेकिन अब कहता है कि अब वास्तव में अब कंडीशन ये हो गई है, कंडीशन ये हो गई है कि ये आपका भी कंकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस है और ये आपका कन्वेक्स लेंस है। अब ये कह रहा है भैया इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेके O1 से लेके O2 के बीच की डिस्टेंस ये दी हुई है कितनी? 8 सेंटीमीटर दी हुई है ये। अब ये कह रहा है कि आप ये बताओ, इफ दे आर प्लेस 8 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट, ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट है, देखिए कोइंसिडेंट है, हाँ जी। इसके बाद कह रहा है डज हो जाएगी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है।
यू डैश ले लेते हैं। यू डैश क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कंटिन्यूएंस है ना। तो ये किसके बराबर है? ये डिस्टेंस देखो यहां से लेके यहां तक कितना है? 30 है ना, और ये इतना 8 है। तो ये आई यानी ओ टू आई क्या होगा यहां पे? अब देखो फॉर कंकेव, फॉर कंकेव आई विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है। यानी यहां यू डैश जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए? फॉर फॉर कंकेव, फॉर कंकेव, फॉर कंकेव, फॉर कंकेव यू डैश इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो किसके बराबर होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? किसके बराबर होगा? दैट इज ओ टू आई, ओ टू आई। और ओ टू आई की वैल्यू कितनी होगी भाई? इतने में से इतना घटा दो, यानी 30 माइनस 8 यानी 22। और ये पॉजिटिव भी लेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लाइट तो इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हम उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो चलिए हमारे पास यू हो गया, हमारे पास अब यू हो गया, अब हम v पे आते हैं, सॉरी f पे आते हैं। f फॉर कन्वेक्स लेंस, उसको भी आप f डैश ले लीजिए। f डैश क्या है? फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ कंकेव, ये भी दिया हुआ है आपको। दिस इज गिवन, ये वैल्यू आपको कितनी दी गई हुई है? ऑलरेडी पहले ही यहां पर दिया गया था 20, तो ये कंकेव है तो माइनस 20 लेंगे। चलिए ये भी हो गया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द फाइनल इमेज जो है वो कहां बनेगा इसकी वजह से। तो वो मान लो v डैश, v डैश इज अ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑफ कंकेव ठीक है ना। कंकेव से जो इमेज डिस्टेंस बनेगा वो ये सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर यह मैंने मालूम है, अभी इसको हम फाइंड करेंगे। फॉर्मूला अपना पुराना लगा लेते हैं, 1 by f dash इज इक्वल टू 1 by v dash minus 1 by u dash। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 1 by f नहीं लगा, आप क्या रखोगे? हमें क्या चाहिए? v2 चाहिए या v dash चाहिए? तो v dash इज इक्वल टू हम चाहे बना लेते हैं 1 by v dash is equal to 1 by f dash plus 1 by u dash। यहां पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम सीधे वैल्यूज रखना शुरू करेंगे जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो आप देखिए 1 by f dash की वैल्यू, f dash is minus 20 रख दिया हमने। अच्छा ये चलिए प्लस u, तो हमको पॉजिटिव ही रखना है क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया 20। दोनों का तो ये 11 टाइम्स आएगा नेगेटिव साइन, और ये 10 टाइम्स आएगा ठीक है। तो इसका मतलब v डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये तो माइनस 1 आया यानी माइनस 220, यानी जो फाइनल इमेज बनेगा इसकी वजह से वो कहां बनेगा? 220 सेंटीमीटर की दूरी पे। और अगर सेंटर से ये दूरी नापेगी, इसका जो डाइवर्जन होगा सेंटर से, ये इतनी दूरी कितनी होगी? अगर ये सेंटर सी है तो ये इतनी दूरी भी 4 होगी, और ये इतनी दूरी भी 4 होगी क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8। तो फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर जो डाइवर्जन हमको दिखेगा वो कहां से दिखेगा? 220 माइनस 4 यानी 216 सेंटीमीटर। और 216 सेंटीमीटर डाइवर्जन कहां से होगा? हमको जो डाइवर्जेंट लाइन होगी, ये डाइवर्जेंट लाइन जो इससे जो फाइनली जो इमेज बनाएगी वो डाइवर्जेंट हमें कहां से
इस सेंटर से कितनी दूरी पे ये डायवर्जन दिखेगा, 216 मीटर की दूरी पे, ठीक है। माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड से डायवर्जन दिखाई देगा। तो ये आपका आंसर पहले केस का है, जब आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट किधर से आ रहा है, इस साइड से आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन में ये सवाल ये पूछ रहा है कि क्या आंसर चेंज होगा अगर इंसिडेंट लाइट जो है वो किस साइड से आए, यानी किधर से आए, कन्वेक्स लेंस के साइड का कंकेव लेंस के साइड से आए। तो उसको भी चेक करके देख लेते हैं। चलिए ये जान लीजिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना सिखाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर द बेस्ट क्वेश्चन। चलिए हम दूसरे केस पे आते हैं, क्या मामला वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे ये कह रहा है कि तब क्या होगा जब आपकी लाइट में किधर से आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब उल्टी डायरेक्शन से आ रही है, यानी किधर से आ रही है, पहले इंसिडेंट हो रही है इस पे, तब उसके बाद जा रही है आपके कन्वेक्स पे, और इन दोनों के बीच की दूरी तो आप जान ही रहे हैं क्या हुआ है, 8 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 जो निगेटिव में लेना है, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 30। चलिए अब इस केस में यू डैश क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कन्वेक्स कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा। बी डैश हमें निकालना है, तो बी डैश निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एफ भी दिया हुआ है, सॉरी यहां हमारे पास एफ डैश दिया हुआ है, एफ डैश कितना है, -20, पुराना फार्मूला लगा देते हैं, तो हमारा फार्मूला हमारे पास मौजूद है 1 by f डैश = 1 by b डैश - 1 by u डैश। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे जब हम चलेंगे तो 1 by f डैश आप पहले जानते हो निगेटिव साइन है, निगेटिव लेना होगा हमें, है जी, ले लिया। इसके बाद 1 by b डैश की बात करते हैं, b डैश ऐसे जैसा तैसा आप छोड़ दीजिए, और यहां पे जब आप u की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, भले माइनस नहीं रखें, तो ये वैल्यू क्या होगा, 0, यानी b डैश हमारे पास कितना आया, b डैश हमारे पास आया -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में आया वो आया हमारे पास कितना, -20 सेंटीमीटर, या सॉरी इमेज डिस्टेंस, यानी जो इमेज बनेगा इसी वजह से वो कहीं इस तरीके से बनेगा, आप ऐसे समझिए लाइट ऐसे गई है ना, इस तरीके से, यानी इमेज जो बना यहां से यहां तक, इसके ये मान लो इस बार O1 है और ये O2 है, तो ये जो इमेज बना ना बच्चों, ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे है उसका जो इमेज बना उसकी ये डिस्टेंस कितनी है, ये जो बी डैश है वो कितना हमारे पास आया, 20 सेंटीमीटर, है ना। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बना, तो 20 सेंटीमीटर ये, ठीक, और 8 सेंटीमीटर ये, तो ये जो बी डैश है ना, यानी ये जो इमेज बना, हियर दिस आई, आई विल एक्ट एज रियल इमेज, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहां अगला स्टेटमेंट लिखोगे कि दिस आई विल एक्ट एज रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फॉर कन्वेक्स, है जी। अब देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस के लिए कितना हो जाएगा, ये ऑलरेडी 8 है और ये कितना है, 20 है, यानी कितना हो जाएगा, 20 + 8 = 28, ठीक है। और क्योंकि लाइट इधर जा रही है और डिस्टेंस ये पूरा आप कहां ले रहे हैं, ये पूरा इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, यू डैश, ठीक है। तो ये जो यू डैश आपका आया, ये कन्वेक्स के लिए, तो यूसी जो हो जाएगा वो इंडिकेटिव साइन आएगा और कितना हो जाएगा, -28 सेंटीमीटर। चलिए ये भी मामला हमारा क्लियर हो गया, फोकल लेंथ दिया हुआ है।
चटनी। तो चलिए आगे फासला लगा के देखते हैं कि क्या मामले में कोई बदलाव आता है या नहीं आता है। इसका फॉर्मूला है 30 सेंटीमीटर है ना। हाँ फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, ये तो हमको पता नहीं है, तो फॉर्मूला लगाते हैं 1/Rc = यहाँ से आप पूछ लीजिए 1/Rc = कितना हो जाएगा 1/Vc - 1/Qc। अच्छा 1/Rc की वैल्यू आप देखिए कितनी दी हुई है, 1/Rc जो है वो 30 दिया हुआ है, 1/30 का ये पॉजिटिव ही है, हमको Vc चाहिए, 1/Vc हमारे पास है नहीं और Uc हमारे पास है, कितना है तो ये हो जाएगा प्लस 1/20 है जी। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। तो 1/Vc = कितना हो जाएगा 1/30 - 1/20। ये वैल्यू हमारे पास आएगी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 - 30/30 = 28 है ना, यानी Vc = कितना हो जाएगा 30 * 28 / ये -2 इससे कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ गया, बहुत ही भयानक नंबर है 420 है जी। इसका मतलब कि जो इमेज हमारा बनेगा ना वो इमेज इसी डायरेक्शन में तब भी बनेगा है ना, अभी भी फाइनल इमेज किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ही बनेगा फाइनल इमेज। कितनी दूरी पे बनेगा 420 सेंटीमीटर पे, कहां से 42 से 420 सेंटीमीटर से, लेकिन एट द सेंटर से कितनी दूरी पे बनेगा फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कितना होनेगा 420 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 416 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। इसका मतलब अगर हम इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को बदल दें तो जो इमेज फॉर्मेशन फाइनल हो रहा है उसकी डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, हालांकि डायरेक्शन नहीं चेंज होगा कि जिस डायरेक्शन में पहले केस में भी 216 सेंटीमीटर की दूरी पे लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म हो रहा है, दूसरे केस में लेकिन 416 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म हो रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म हो रहा है। तो एनसीईआरटी ने आपको यह समझाया कि भले ही लेंसेज दोनों आप सेम रखिए लेकिन अगर पोजिशन इंटरचेंज कर दिया तो पोजिशन आप तो फाइनल इमेज चेंज हो जाएगी। चलिए ये चीज आपकी हो गई। अच्छा इसी में छोटा सा कुछ हिला भी लगा हुआ है सेक्शन बी में, उसको देखते हैं। 9.1.21 का ए पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया आपका दोनों कंपैरिजन करा के। अब इसमें जो छोटा सा कुछ हिला लगा हुआ है वो है देखिए क्या, चलिए पहले हम इसे हटा लेते हैं। जो प्लेस है
सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है, ये यू दिया हुआ है, इस केस में यू दिया हुआ है यानी यू वन मान लो, यू वन दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट और कन्वेक्स लेंस के बीच की दूरी दी है 40 सेंटीमीटर। अब हमें यह फाइंड करना है दूसरे केस में कि डिटरमिन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय टू। अब मैग्नीफिकेशन हमें फाइंड करना है, रिजल्टेंट मैग्नीफिकेशन। तो पहले हम इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करें। इसका मैग्नीफिकेशन तो आप जानते ही हो क्या होगा, वी वन अपॉन यू वन होगा। तो हमारे पास यू वन तो है 10 है, लेकिन वी वन तो नहीं है ना, निकाल तो सकते ही है, हमारे पास फार्मूला है। तो चलिए फार्मूले से निकाल लेते हैं, वन बाई एफ कन्वेक्स लेंस, चलो हम बाई एफ वन इस बार रख लेते हैं, एफ वन कन्वेक्स लेंस, ये एफ वन है और ये एफ टू। वन बाई एफ वन इज इक्वल टू वन बाई वी वन माइनस वन बाई वन बाई यू वन हो जाएगा। वन बाई एफ वन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, सबसे पहले ही दी है 1/30 एंड 1/v1 नहीं मालूम है, उसी को हमको निकालना है। v1 दिया हुआ है कितनी दूरी पे 40 और वो नेगेटिव लेंगे तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। नाउ 1/v1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/30 माइनस 1/40, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी v1 की वैल्यू जो आ गई आपके पास वो आ गई कितनी 120 सेंटीमीटर है जी। यानी जो इमेज बना, इसका जो इमेज है वो कहां बनेगा, यहां से मतलब इस जगह से, हम सारी डिस्टेंस यहां से मापते हैं ना, यहां से कितनी दूरी पे इमेज बनेगा, अगर इसको हम बढ़ा दें इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कितनी दूरी पे ये जो v1 है वो बना 120, कहां से O से लेके यहां जो इमेज बना, ये मान लो इमेज है जी, तो ये बना। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये अब एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा इसके लिए, तो ये इतना 120 है और ये इतना 8 है, ये इतना कितना बचेगा 112 है जी। तो ये जो है ये इमेज डिस्टेंस u2 जो है इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। u2 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, i जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा इसके लिए, वही फार्मूला है। पहले हम मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं, पहला मैग्नीफिकेशन m1 अगर पे कितना होगा, ये वैल्यू होगा है जी, इसमें साइन माइनस की जरूरत नहीं, हालांकि नेगेटिव ही आएगा क्योंकि ये रियल इमेज बन रहा है ना, तो उस पर अभी आप चिंता ना करें, आप चाहे तो अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं जोड़ लीजिएगा। तो v की वैल्यू 120 हो गई, u की वैल्यू -40 हो गई, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3, ठीक है। कोशिश करिए कि मैग्नीफिकेशन हमेशा मॉड में लिया करिए, तो ये कितना हो गया मैग्नीफिकेशन 3 हो गया। चलिए ये तो इसका मैग्नीफिकेशन हुआ, अब दूसरे केस में आते हैं है जी। M2 के केस निकालने के लिए हमको यहां ये चीज तो मालूम है, हार्ट कंकेव के केस में आप जान रहे हो कि कंकेव के केस में हमारा जो इमेज डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा 112 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव लेंगे बिकॉज आई इज एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर व्हाट, फॉर कंकेव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है यहां से O2 से 112। अच्छा जी, हमारे पास फोकल लेंथ भी है, फोकल लेंथ हम F2 ले लेते हैं, F2 शुरू से ही हमको मालूम है 20 है और हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि क्या है कन्वेक्स। अच्छा जी आगे चलते हैं, अब फॉर्मूला लगाते हैं, 1/F2 = 1/V1 - 1/V2 - U2, 1/F2 की वैल्यू हो गई 1/-20 एंड दिस इज 1/V2, V2
माइनस 112 प्लस 20 और नीचे हो जाएगा 20 इनटू 112 इज इक्वल टू 1/20 है। यहां किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो v2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 इनटू 112 अपॉन इसमें से सबट्रैक्ट करो कितना आएगा 92। यहां भी किसी कोई दिक्कत नहीं है, है जी, ये v2 हो गया। अब मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन किसके लिए करते हैं, उसको m2 का नाम दे दीजिए, तो वो कितना हो जाएगा v2 अपॉन m2। तो v2 हमारे पास कितना है, माइनस 20 इंटू 112 अपॉन 90। ये v2 हो गया। अब इसके लिए u2 की वैल्यू कितनी थी, 112 अपॉन 112, यानी 112 आप यही रख लें। अब देखिए आगे चलते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, फोर से काट लीजिए, आप मॉड में ही इसको रखिएगा, यानी 5/23। ये क्या आया, एम क्यू, ठीक है। टोटल मैग्नीफिकेशन हमेशा जो आता है वो होता है एम वन इंटू एम टू, ये होता है। तो जी एम वन आपका पहले ही आया हुआ है 3 और ये आ गया 5/23, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन आपका आया 15/23। तो जाहिर सी बात है टोटल मैग्नीफिकेशन क्या है, 1 से कम है। ये क्या है, आप खुद ही अंदाजा लगाएं, दिस वैल्यू इज लेस देन 1, यानी ये जो ऑब्जेक्ट आपका है वो छोटा दिखेगा, है ना। अब आप जानते हैं m इक्वल टू हम ये भी लिखते हैं h2 अपॉन h1, यही पूछा है h2 की वैल्यू, तो h2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h2 इज इक्वल टू m इनटू h1। तो m की वैल्यू आपके पास कितनी है, m की वैल्यू हमने निकाली 15/23 और आप was very interesting, है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्टेप में, अक्सर पक्का क्लियर रखिएगा, एक ही तरह के क्वेश्चन सभी मिलेंगे आगे, ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएंगे और लोग समझने की कोशिश करेंगे। There will surely get 100 out of 100 marks in CBSE। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, मजेदार इसलिए है क्योंकि अब हम प्रेजेंट का एक क्वेश्चन करेंगे और प्रेजेंट का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा मजा भी लेंगे प्रेजेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 9.22। 9.22 जो है ये हमसे एक सवाल कर रहा है, देखिए क्या, एट व्हाट एंगल अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60। ये आपका जो प्रिज्म है ना, इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ये होगा 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि किस एंगल पे, ये अगर आपका नॉर्मल है यहां पर आपको किस एंगल पे आप, हाँ किस एंगल पे आप इस लाइट को इंसिडेंट करें, आई को कि एट व्हाट एंगल शुड लाइट रे इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 so that it just suffer total internal reflection at the other place। इसके कहने का मतलब ये है कि ये लाइट ऐसे जाती थी ना यहाँ पे, तो ये रिफ्लेक्शन होकर बाहर निकलती थी, लेकिन इसका कहना ये है कि एंगल आई को इस प्रकार रखिए कि ये जो लाइट जो रिफ्रैक्ट हो रही है ना वो जस्ट टी आई आर पर, ये यानी इस केस के आ रहा है ये, दिस समझ आया, ये कंडीशन पूछ रही है। तो ये
जो ये रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ इमर्जेंट है ना, वो बिल्कुल इस अगले फेस पे आके इंसिडेंट हो जाए, ऐसे हो जाए, इधर उधर जाने की बजाय सीधे इसी पे आ जाए। ये मामला पूछ रहा है। इसका मतलब ये जो R2 है ना, वो R2 क्या होना चाहिए? R ऐसा तब होगा ना जब R2 किसके बराबर हो, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो। तो R is equal to IC के बराबर होना चाहिए, sorry, R2 is equal to IC के बराबर होना चाहिए। तो IC की नाम आता बहुत ही इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहां दिया हुआ है कि ग्लास का या जिस मटेरियल का ये आपका जिस मटेरियल इंसिडेंट करेंगे, ठीक है।
चलिए 9.22 भी आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं हम। 9.22 के बाद हम 9.33 पे चलेंगे। ये बहुत ही डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, प्रेजेंट से ही रिलेटेड है, इसमें काफी डिस्कशन की मांग होती है, तो हम उस डिस्कशन को करेंगे पीछे। चलिए, जिस तरह की मांग है तो हम मांग को पूरी देखेंगे। 9.23 ये कह रहा है, पूछ रहा है आपसे भारत, नहीं मैं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा है भारत नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि जो भारत पूछ रहा है भारत वाला चलाते हैं वो भारत की बात तो करते ही नहीं है, लेकिन मैं फिजिक्स की बात जरूर करूंगा। तो 9.23 की बात करते हैं, ये साहब कह रहे हैं यू आर गिवन प्रिज्म मेड अप ऑफ क्राउन ग्लास एंड फ्लिंट ग्लास। एक जो प्रिज्म है वो आपका क्राउन ग्लास का बना हुआ है और एक जो बना हुआ है वो फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है विद वाइड वैरायटी ऑफ एंगल्स, है ना। वह उस पे जो लाइट इंसिडेंट है, इंसिडेंट हो रही है, वो वाइड वैरायटी ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, मतलब 30 का भी आपको मिल सकता है वो प्रिज्म, 35 का, 40 का, 60 का, 70 का, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है। सजेस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म व्हिच विल डेविएट द पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट का मतलब एक लाइट की बीम, पतली बीम, है ना, व्हिच विल डेविएट पेंसिल ऑफ व्हाइट लाइट विदाउट मच डिस्पर्सन। डिस्पर्सन याद है ना, मैं आपको बताया था एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन याद आ रहा आपको, आप प्रिज्म बनाएंगे, है ना, ये ऐसे लाइट देखी और आपने देखा था कि सभी लाइट जो है वो डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या हो रही थी, डेविएट हो रही थी, है सबसे ज्यादा ये डेविएशन किसका है, ये अगर इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है सबसे ज्यादा डेविएशन किसका था, वायलेट कलर का था, और सबसे कम किसका था, रेड कलर का, ये रेड कलर का, तो इसका डेविएशन रेड का और इसका डेविएशन ग्रीन। तो एंगुलर डिस्पर्सन जो है इट इज द डिफरेंस इन द एंगुलर डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर्स। तो यहां एंगुलर डिस्पर्सन जो होगा वो सीधा इसका मतलब क्या हुआ, डीबी माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ये चीज आप अगर आपको क्या समझिए। अब सवाल इनका ये है ना कि एक प्रिज्म आप फ्लिंट ग्लास का लीजिए और एक प्रिज्म जो आप है वो ये मान लीजिए फ्लिंट का ले लिया और एक दूसरा प्रिज्म हमने लिया है वो क्राउन का है, ये फ्लिंट ग्लास का है और ये क्राउन ग्लास का है, ये वाला प्रिज्म। इनका सवाल ये है, अभी तो ये मैंने आपको समझाया, इनका जो सवाल है वो ये है कि आप जो है पहला एक क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप इन प्रिज्म को कैसे अरेंज करेंगे कि जो डेविएशन है, डेविएशन इन व्हाइट लाइट वो बहुत कम हो, उसमें डिस्पर्शन क्या हो, अरेंजमेंट कौन पहला केस क्या लेंगे, अरेंजमेंट फॉर लीस्ट का मतलब जीरो डिस्पर्शन, ठीक है। तो डिस्पर्शन की बात जब हो रही है तो हम पहले लिख लेते हैं, चलिए डिस्पर्शन बाई, सबसे पहले हम फ्लिंट ग्लास का लेते हैं, फ्लिंट ग्लास डिस्पर्शन बाय फ्लिंट ग्लास जब हम लेंगे तो वो कितना होगा, देखो इसकी वजह से हम क्या ले रहे हैं, दिस इज डेल्टा आर माइनस सॉरी डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, और उसको आपको याद है ना बच्चों, एक रिलेशन हमने बताया था कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, बी
ए, इसके लिए प्लेन के लिए माइनस म्यू रेड कलर माइनस वन ए। सॉल्व इसको शॉर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी ये है इसमें भी ये है कॉमन आ जाएगा। ये हुआ किसके लिए, ये हुई बात अभी हमारे लिए फ्लिंट के लिए, फ्लिंट के लिए। अब फ्लिंट के बाद अगर हम ग्राउंड ग्लास की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा मामला, क्राउन की बात करते हैं, हर क्राउन ग्लास वो कितना हो जाएगा, वो होगा उसको मान लो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर डेल्टा डैश, तो डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा वी डेल्टा आ, ठीक है डैश के साथ, यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आ जाते हैं इसी के म्यू डैश वायलेट कलर माइनस म्यू डैश रेड कलर इनटू ए, ठीक है। ये चीज टोटल डिस्पर्शन इन दोनों की वजह से क्या होगा, टोटल डिस्पर्शन होगा दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश वायलेट कलर म्यू डैश रेड कलर इनटू ए। और इन दोनों का पहले केस में क्या है ना, फॉर मिनिमम डिस्पर्शन का मतलब डिस्पर्शन हो ही नहीं, जीरो हो जाए ऐसा हो। चलिए ऐसा देखते हैं क्या होता है, इसको ले जाइए इस साइड, ठीक है ना, इसको ले जाइए इस साइड, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी म्यू बी माइनस म्यू आर ए इज इक्वल टू माइनस म्यू बी डैश माइनस म्यू डैश आर ए। अच्छा ए, हाँ ये ए डैश है, चलो ए डैश इसके साथ ये लगा लेंगे, तो ए ही होगा ना, ये होगा ए डैश, ए डैश यानी ए बाय ए डैश अगर हम रखें तो ये वैल्यू निगेटिव साइन के साथ आएगी, म्यू बी डैश माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू बी माइनस म्यू आर, ठीक है। ए बाय ए डैश आप ये भी जान लो कि जो फ्लिंट ग्लास है ना, फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्राउन ग्लास से कम होता है, और ये नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो दोनों प्रिज्म होंगे ना, हम उसको इस तरीके से रखेंगे कि दोनों का बेस एक दूसरे के अपोजिट हो। यानी अगर यहां हमने इसका अरेंजमेंट किया तो जैसे ये क्राउन ग्लास तुम्हारा है, ये क्राउन ग्लास है, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बेस रखेंगे किसका, ये क्राउन ग्लास है और ये फ्लिंट है, नेगेटिव साइन शोज द, आपको आंसर कैसे लिखना है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द बेस ऑफ फ्लिंट शुड लाई ओवर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ क्राउन ग्लास, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको जो डिस्पर्शन होगा वो मिनिमम होगा, वो क्यों ऐसा होगा, लाइट इस मान लो जो भी इंसिडेंट हुआ वो ऐसे ऐसे क्या होगा जाएगा, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसको मोड़ देगा और लाइट आपको फिर उसी फॉर्म में मिल जाएगी, समझ में आया आपके, तो ये रीजनिंग है इसकी। चलिए इसका बी पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, लगभग बिल्कुल इसी तरीके से हो
बी पार्ट आपका होमवर्क है, वो आपको करिएगा। 9.23 के बाद आगे की तरफ हम चलते हैं। 9.24 आई पे बेस है, वो हमें नहीं करना है। 9.25 आई पे बेस है, नहीं करना है। 9.26 आई पे बेस है, नहीं करना है। 9.27 आई पे बेस है, नहीं करना है। 9.28 आई पे बेस है, नहीं करना है। यानी हम सीधे अगला क्वेश्चन करेंगे 9.29। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको हम करते हैं। और देखिए 9.28 को कैसे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन 9.29 करेंगे क्योंकि बाकी बीच के क्वेश्चन जो आ गए हैं, आई के क्वेश्चन सब बढ़ गए हैं। इसमें कह रहा है कार्ड शीट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ ईच साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। यहां ऑब्जेक्ट की जो साइज है, साइज ऑफ एरिया, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, पहली चीज। अच्छा ये स्क्वायर सीख है, स्क्वायर 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 एरिया, तो हाइट कितनी हो जाएगी या साइड 1 मिलीमीटर हो जाएगी। मैं इसको अंडर रूट कर दोगे ना, ठीक है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का आपने कैसे कर दिया, अंडर रूट कर दिया। साइड के लिए तो कितना आएगा, 1 मिलीमीटर आ जाएगा, तो ये साइड हाइट पता चल गई। अच्छा अब ये कह रहा है अ कार शीट इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर ऑफ ईच साइड 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। एक मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, आप ये जानते ही हैं, यानी इसमें कन्वेक्स लेंस लगा होगा और उसको कितनी दूरी से देखा जाएगा, ठीक है, आपका मैग्निफिकेशन इंफिनिटी पे मिलेगा। ये मिस्टेक है, चेंज कर लीजिएगा 9.29 में, जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लेके चलिएगा। चलिए अब इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं। 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/f की वैल्यू आपको दी गई है 1/10, जो मैंने मल्टीप्लाई कराया है सबका चेंज हुआ है, चेंज एनसीईआरटी की बुक में, ये मिस्टेक है। अब 1/v हमको निकालना है और ये है -9, तो ये हो गया 9 जी, ये 1/10 -1/9 = 1/v, तो ये वाली कितनी हो जाएगी -1/90 1/v, तो जो v आया वो कितना आया -90 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू जो है, यानी जो इमेज आपकी बनेगी, आप जानते हैं ना इस तरह से यहाँ को क्लोज आपने रखा है, यानी आ रहा होगा आपको, है जी, इस
इसी साइड वाला है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। तो 90 सेंटीमीटर। चलिए अब मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन v की वैल्यू आपके पास कितनी है? -90। और u भी आपके पास कितना है? -9। और मॉड नहीं लगते तो भी वैसे भी पॉजिटिव है, तो m आ गया 10। है जी। अब चलिए साइज की बात कर लेते हैं। तो h2 / h1 is equal to m होता है। h2 हमको फाइंड करना है और h1 कितना है? 1 मिलीमीटर है। और ये कितना है? 10। h2 कितना हो जाएगा? 10 मिलीमीटर हो जाएगा। यानी जो स्क्वायर की इमेज है उसका एक साइड हमको 10 मिलीमीटर दिखाई देगा, एरिया हमको कितना दिखाई देगा? 10 × 10 यानी 100 मिलीमीटर स्क्वायर। 100 गुना ज्यादा बड़ा एरिया दिखाई देगा। तो ये तो हो गया ए। अब बी में क्या पूछ रहा है? देखिए, व्हाट इज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस? व्हाट इज द एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस? तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो है आप निकालोगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन हमेशा जो है जब भी आप निकालते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो वो कहां निकालते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप के केस में फाइनल इमेज आपका कहां बनेगा? तो देखिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो डी बाई यू हो जाएगा एंगुलर मैग्नीफिकेशन अल्फा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन डी तो आप जानते हैं 25 होता है और यू की वैल्यू आपको दी हुई है 9। है जी। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए 25/9 करके, तो ये चीज आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी जो है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। सी पूछ रहा है इज द मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। तो आप हमेशा याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन इज नॉट इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द इमेज। और जबकि मैग्निफिकेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है उसको हम कैसे नापते हैं? एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, सॉरी एंगल सबटेंडेड बाई इमेज, इमेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये चीज मैंने क्लियर किया था, तो ये नो लिख के एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा। वाई नो लिख के आप क्या लिखेंगे? मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ वी बाई यू या h2/h1, वेयर एज एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई इमेज ऑन द आई विद रिस्पेक्ट टू एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन द आई व्हेन बोथ आर सिचुएटेड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यह आपको लिखना है। तो इस तरह हमने 9.21 कर दिया, 9.29 किया, अब 9.30 की तरफ चलते हैं। तो 9.30 आपके लिए होमवर्क है। 9.30 आपका क्या है? HW है, खुद करिएगा। इस तरीके से 9.30 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।